सेकेंड चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है? ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। पता होगा आपको रेस्पिरेशन में क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस करते हैं सेल और आपको O2 चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो उन दोनों के एक्सचेंज को ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एनिमल किंगडम में अलग अलग हैं यार, मतलब वो डिपेंड करते हैं हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। एक मिनट में पूछना भूल गया, सब सही सुन रहा ना सबको? तो रेस्पिरेशन हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पर डिपेंड करेगी। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होंगे आपके, अब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पंजेस होते हैं, सिलेंट्रेट होते हैं, फ्लैटफॉर्म्स होते हैं, उनमें सिंपल डिफ्यूजन होती है। मतलब डिफ्यूज क्योंकि उनका बॉडी साइज छोटा है, तो वो सिंपल जो अपने आसपास की एयर है उससे सिंपल डिफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है ना, मतलब कि ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाएगा, तो फिर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अर्थफॉर्म है, अर्थफॉर्म को मॉइस्ट क्यूटिकल्स चाहिए होते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में ट्रेकिल ट्यूब्स होती हैं। अब एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स या मलस्क्स या फिश होती हैं, उनमें गिल्स होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे कि जो आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क टेरेस्ट्रियल हैं, ये एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके लिए लंग्स होते हैं जिसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और गिल्स वाले को बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है चलो, और एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स वो स्किन से भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो याद रखना सिर्फ स्किन नहीं है, प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो लंग्स से तो करते हैं, लंग्स प्लस स्किन। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से होता है? नेजल कैविटी से स्टार्ट होके एल्वियोलाई तक। इसमें इस पिक्चर में एल्वियोलाई है नहीं, पर मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। नेजल कैविटी होती है मतलब नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से फिर ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स फिर आगे आके और छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये सारा पाथ होता है, ये होता है ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये याद रखना कि जो डिवीजन है ना ट्रेकिया का, दैट इज एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये इसमें एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको याद करना पड़ेगा कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है जो हमारी, जैसे कि ये अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ पे आके ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ट्रेकिया से डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई। तो मैंने जो ग्रीन मार्क किया हुआ है ना, ट्रेकिया से लेके लास्ट के ब्रोंकियोल्स तक, दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। याद रखना इनकम्प्लीट होता है, मतलब इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? सी शेप्ड है, कि वो ल्यूमन को अच्छे से कवर नहीं कर रखा होगा उन्होंने चारों तरफ से, सिर्फ तीन तरफ से कवर कर होता है, एक तरफ फ्री होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? दे प्रिवेंट कोलैप्स। लेकिन जो लास्ट के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं और जो एल्वियोलाई होते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज होना है, तो वहां पे आप कार्टिलेज नहीं दे सकते, तो वहां पे कार्टिलेज नहीं होता। ठीक है, और ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, दैट इज द कंडक्टिंग पार्ट। जो थोड़ा गलत है ये वैसे, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में भी नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है, और फिर एल्वियोलाई होता है, दैट इज एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? इट क्लियर्स फॉरन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और जो एक्सचेंज पार्ट है, वहां पे डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 होती है, वो एक्सचेंज पार्ट में होता है। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, आगे एक चीज समझने वाली है जो मैं समझाऊंगा, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान अच्छे से आपको फोकस करना पड़ेगा। पहले एक बार देख लो कि हमारी जो वो होती है, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया अपना, ये दिखाना चाह रहा था मैं कि ट्रेकिया से लेके एल्वियोलाई तक ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और फिर एल्वियोलाई। ठीक है, ये है हमारी चेस्ट वॉल। हमारी चेस्ट वॉल किससे बनी होती है? आपने एनसीईआरटी साथ में खोल रखी हो तो आपको दिख जाएगा कि थोरेसिक चेंबर फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लैटरली बाय द रिब्स, एंड नीचे लोअर साइड में बाय द डोम शेप डायफ्राम। ये जो डायफ्राम आ रहा है ना, ये देखो पीछे तक जा रहा है, ये जा रहा है, दैट इज डोम शेप्ड। ये हमने बना दिया थोरेसिक चेंबर, और ये एयर टाइट होता है, याद रखना इसको कि एयर टाइट है। एयर टाइट का मतलब क्या हुआ कि एयर टाइट इसका होना जरूरी क्यों है? क्योंकि ह्यूमन हम जो रेस्पिरेट करते हैं ना यार, हम जो ब्रीद करते हैं,
वो हम इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि हम प्रेशर ग्रेडियंट बना पाते हैं। आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेशर इक्वेट इक्वल क्या कहते हैं, इक्वल करने के लिए गैसेस ट्रेवल करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। किसी भी जगह पर अगर लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर वाली गैसेस वहां पे रन करेंगी जिससे कि प्रेशर इक्वल इक्वल हो जाए। तो इसको हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कि अपनी डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो डायफ्राम जो डोम शेप है ना वो फ्लैट हो जाता है, तो डायफ्राम यहाँ से यहाँ आ जाता है। और जो हमारा रिब केज है, जो ये मसल्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले मसल्स, ये इंटरकोस्टल मसल है, ये रिब केज को ऊपर उठा देते हैं, तो रिब केज ऐसे आ जाता है। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, इफेक्टिवली हमने वॉल्यूम बढ़ा दी। अब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, कि वॉल्यूम बढ़ने से अगर एयर टाइट चैम्बर है तो वो क्या कहते हैं प्रेशर को कम कर देगा। और प्रेशर कितना कम होता है, वो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि एटमोसफेयर लेवल से कम हो गया, जो एटमोसफेयरिक प्रेशर उससे कम हो गया। तो एटमोसफेयरिक प्रेशर की जो एटमोसफेयर में जो एयर है वो उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए रश इन करती है। मैंने नीचे दिखाया है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिब्स और स्टर्नम रेज हुए, तो वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने की वजह से जो बाहर की एयर है वो अंदर आई जिससे प्रेशर इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, तो हम इस तरह से ब्रीद कर पाते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। लिखा नहीं है कहीं पे, लिख लो इसको, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है कि वो हवा अपने मुंह में लेके, मतलब अपनी ओरल कैविटी में या नेजल कैविटी में लेके और फिर पुश करते हैं। हम पुश नहीं करते, हम पुल करते हैं, कि हम नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं जिससे कि बाहर की हवा अंदर आ जाए। ठीक है, हमारे अंदर इसी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एयर पुश कर सकें। चलो, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या हुआ, बाय क्रिएशन ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोसफेयर। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एनर्जी यूज होती है, एंड एक्सपिरेशन जो होता है दैट इज मेनली पैसिव, कि जो लंग रिकॉइल है या फिर जो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम है, इस वजह से एक्सपिरेशन हो जाती है, उसमें हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। तो एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आईसी इज इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बायो में आपको वर्ड्स तोड़ने हैं, इंटर मतलब बीच में, एंड कोस्टल मतलब कार्टिलेज, रिब्स। ठीक है, तो रिब्स के जो बीच का मसल है दैट इज इंटरकोस्टल। चलो, अब डायफ्राम कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस है उसमें डायमीटर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, और जो इंटरकोस्टल की वजह से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि ये अलग अलग क्यों लिखा है एनसीईआरटी में, मतलब मोस्टली हमने पढ़ा था कि डोर्सो वेंट्रल और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस एक ही चीज होती है, पर इन्होंने अलग अलग करके लिखा है, क्यों लिखा है कैसे लिखा है पता नहीं, बट एनसीईआरटी में लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर है, आपको वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना डायफ्राम में एपी एक्सिस में बढ़ेगा, इंटरकोस्टल में डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम बढ़ी, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम कितना हुआ, लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, सो द एयर रशेस इन टू इक्वलाइज द प्रेशर। ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं एक्सपिरेशन में, एक्सपिरेशन इज मेनली पैसिव ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड स्टर्नम। उसमें क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और वो मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, सो एयर गोज आउट। अब मैंने आपको बोला था ना कि एयर टाइट रहना इसका जरूरी है, एयर टाइट रहना इसलिए जरूरी है, मानो ट्रॉमा हो गया किसी को, ये कई बार ना होता है, मतलब मैंने खुद भी देखे हुए पेशेंट्स ऐसे कि कोई बाइक चला रहा था, बाइक चलाते हुए वो गिरा और कुछ शार्प चीज उसके लंग को पंक्चर करके अंदर घुस गई, तो जो होल बना उसने क्या किया कि बाहर का जो प्रेशर है और जो लंग के अंदर का प्रेशर है उसको इक्वलाइज कर दिया। तो अब बॉडी के पास ऑप्शन नहीं रहा कि बॉडी उस लंग को यूज कर पाए, क्योंकि हमें यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेशर कम करना पड़ेगा, प्रेशर कम होगा तो हवा अंदर आएगी, हवा अंदर आएगी तो फिर हम उसको ऑक्सीजन को यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर एक वूंड है जो हमेशा सेम प्रेशर रख रहा है बाहर भी और अंदर भी, तो वो वूंड की वजह से हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे ना, तो उस लंग को फिर हमें बचाने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता होगा, वो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन इसलिए एयर टाइट रहना जरूरी होता है। ठीक है, कौन पूछ रहा है ये, एनर्जी तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में यूज होती है। अच्छा यार, एक्सपिरेशन मेनली पैसिव बोला जाता है, एज अ कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन इन द हाउ व्हेन कैन से एक्टिव और पैसिव। अच्छा, तो मैं एक बार फिर भी आपको चेक करके बता दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है एक्सपिरेशन इज मेनली पैसिव फिनोमिना, क्योंकि जो लंग्स होती है ना, लंग एक चीज होती है रिकॉइल, कि लंग्स एक्सपेंड करते हैं जैसी हवा जाती है, तो लंग्स वापस एकदम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो
तो वो इलास्टिक रिकॉयल होता है ना, वो पैसिव फिनोमिना, उसमें एनर्जी यूज नहीं होती, बट स्टिल मैं एक बार अच्छे से एक बार फिर भी आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं कि ये तो हमने दो मेन मसल्स यूज की, कौन कौन सी की? डायफ्राम की और दूसरी थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है? इंटरकोस्टल तो दो तीन तरीके की होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल भी होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होता है, लेकिन हमारे शरीर में और भी मसल्स हैं ना, एब्डोमेन में और भी मसल्स हैं, तो अगर हम उनको यूज कर लें, उनको यूज करने से हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं इंस्पिरेशन की और एक्सपिरेशन की। जैसे मानो आप रनिंग करके आए हो या आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आपको अब इंस्पिरेशन डीप भी चाहिए और आपको रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना भी है, तो वो डीप इंस्पिरेशन के लिए आपको कुछ अलग से मसल्स यूज करने पड़ेंगे। आप खुद अभी करके देख सकते हो, अपने पेट पे हाथ रखो और नॉर्मल एक सांस लो और फिर एक सांस खींच के लो कि बहुत जोर से लो, आपको अपना पेट बाहर आते हुए दिखेगा, तो जो आपके एब्डोमेन के बाकी मसल्स हैं वो यूज हो रहे हैं इसका मतलब, ठीक है? चलो, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है ह्यूमंस में? 12 to 16 पर मिनट। स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर क्या होता है कि मानो आपको पता चलाना है कि किसी बंदे की ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितनी कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ले पा रहा है, तो उसको लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है स्पायरोमीटर, स्पायरोमेट्री। वो आपको, आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे फिजियो में, फर्स्ट ईयर सेकेंड एक्सपेरिमेंट यही होगा, स्पायरोमीटर आपसे अटैच करके किसी एक वॉलंटियर को बुला के, और आप आपसे यही कराया जाएगा कि भाई करो एयर इन पुश करो, अंदर लो, इंस्पायर करो, एक्सपायर करो। तो उससे ऐसा ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ है ये आप खुद देखोगे जब आप खुद बनाओगे ना, तो ये जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हो ऐसे ग्राफ आएगा, फिर आपके एकदम बोलेंगे वो कि खींच के सांस लो, कि जितनी ज्यादा ले सकते हो उतनी लो, तो आपने मैक्सिमम सांस ली, आप यहाँ तक ले पाए, फिर वो बोलेंगे कि रिलीज करो, रिलीज करो, आपने नॉर्मल रिलीज करी, फिर वो बोलेंगे फोर्सिबली रिलीज करो, कि जितना ज्यादा कर सकते हो उतना रिलीज करो, यहाँ आपका लंग एम्प्टी हो गया आपको लगेगा, और फिर आप नॉर्मल आओगे, फिर सांस लोगे, लेकिन यहाँ तक आने के बाद भी ना कुछ एयर है जो रह जाती है हमेशा लंग्स में, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? रेजिडुअल वॉल्यूम होती है जो एनसीईआरटी में लिखी है 1000 to 1200, तो आपको वही याद करनी है, इस फिगर में 1500 थी बट जो एनसीईआरटी में लिखा है आपको वो याद करना है, ठीक है? अब ये तो होगी वॉल्यूम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, कि जितना आप नॉर्मल ब्रेथ में, चाहे एक्सपिरेशन हो चाहे इंस्पिरेशन हो, जितना आप उसमें ले रहे हो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, दैट इज अराउंड 500 ml। फिर ये वॉल्यूम क्या होगी? ये वॉल्यूम होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, नाम में है ना उसके, इंस्पिरेशन में हो रही है, रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड मतलब कि आप हमेशा नहीं ले रहे बट आप जब लेना चाहो आप ले सकते हो उसको, ठीक है? तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो कितनी होती है? दैट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा होती है यार, 2.5 लीटर डिफरेंस देख रहे हो, नॉर्मली आप 0.5 लीटर लेते हो और रिजर्व वॉल्यूम आपकी 2.5 लीटर। इसी वजह से आप जब एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो इतनी ज्यादा सांस चढ़ती है आपको, इतनी डीप इंस्पिरेशन आप ले पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको इतनी एनर्जी, इतनी एयर लेनी पड़ेगी। फिर आप फोर्सिबली एक्सपायर भी कर सकते हो, आप खुद अभी करके देखो कि एक नॉर्मल सांस के बाद एक्सपायर करके देखो, आप वो एक्सपायर जो कर पाओगे उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज अराउंड 1000 to 1100 एनसीईआरटी में, ठीक है? इसको छोड़ो, 1 liter to 1100 ml होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये है मेन तीन वॉल्यूम, कौन कौन सी हुई? चार वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। इन वॉल्यूम्स को यूज करके हम कुछ कैपेसिटीज निकाल सकते हैं, कैपेसिटीज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स। वो कैपेसिटीज क्या हैं वो याद रखनी है आपको, वो कैपेसिटीज हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, कि नॉर्मल एक्सपिरेशन यहाँ हुई, यहाँ पे बंदा एक्सपायर कर चुका है, इसके बाद आप कितनी एयर ले सकते हो मैक्सिमम? तो पहले तो आप टाइडल वॉल्यूम लोगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पहले आपने टाइडल वॉल्यूम ली, उसके बाद आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले पाओगे। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी, सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? फिर ऐसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसका उल्टा होगा बिल्कुल, कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप कितनी एयर निकाल सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम निकालोगे पहले, फिर आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालोगे, तो ये दोनों मिला के जो बनती है उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
फिर आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग में कितनी एयर बची है, तो वो कितनी होगी, एक तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी और एक रेजिडुअल वॉल्यूम होगी. बिल्कुल ठीक है ना. ठीक है, अब होती है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी है कि जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, मतलब जो आपके लिए फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है ना, उसलिए उसका नाम है वाइटल है. कितनी एयर आप लंग में टोटल ला सकते हो, आपके लिए फिजियोलॉजिकल लिमिट कहाँ है, यहाँ है. क्योंकि ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते कभी, ये हमेशा लंग में रहेगी ही रहेगी. तो आप मानो नॉर्मल ब्रीथ करते करते आपने एक बहुत अच्छे से एक्सपायर करके आप यहाँ तक पहुँच गए. इसके बाद आपने इंस्पायर करना शुरू किया, तो सबसे पहले आपकी ये भरेगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरेगी, फिर आपकी टाइडल वॉल्यूम भरेगी, फिर आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरेगी. तो ये जो बनाना सारा, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी. सो इट इज अराउंड 4.5 लीटर्स. और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, इस दिस इज रेजिडुअल वॉल्यूम, तो 6 लीटर्स. ये वैल्यूज लिख लो यार, इस बार भी आई थी एग्जाम में ये, मतलब एनसीईआरटी में सिर्फ वॉल्यूम दी हुई है, कैपेसिटी नहीं दी हुई, तो खुद बना के वॉल्यूम ऐड करके खुद लिख लेना. ठीक है, अभी लिख लो यार. तो IRV is 2.5 लीटर, BC is 4.5 लीटर, TLC is 6 लीटर एंड FRC is 3 लीटर्स. थोड़ी चेंज कर लेना NCERT के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा लग दिया है, बट लेकिन लिख लो अभी, याद रख लोगे तो फिर वहाँ कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे. बट ये भी ध्यान रखना कि कई बार वो चेंज कर देंगे, क्योंकि ये जो वॉल्यूम्स हैं बच्चे में अलग होगी, आप में अलग होगी, एथलीट में अलग होगी, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, तो अगर वो उन्होंने ऐसा कोई स्पेसिफिक सिनेरियो दिया है, तो फिर जो उन्होंने वॉल्यूम दिया हमको वही ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, हाँ मेरे को एक बार और बताओ, सब ठीक है ना. रेजिडुअल वॉल्यूम को भी स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं क्या? नहीं यार, रेजिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पायरोमीटर आपके ऊपर चलता है. मतलब स्पायरोमीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक्सपायर करोगे, आप इंस्पायर करोगे, तो वो चलेगा, उसका जो पेन होगा. तो जब तक आप उसमें क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम तो आप नहीं कर पाओगे ना, आप खुद नहीं कर सकते, तो फिर स्पायरोमीटर वो उसको भी नहीं दिखा पाएगा. उसको किससे मेजर करते हैं, छोड़ो अभी आपके काम की नहीं है ये चीज, अभी जितना है बस पायरोमीटर आपका स्पायरोमीटर करो. चलो ठीक है, आगे बढ़े, बोलो जल्दी. चलो ठीक है, अब करते हैं हम आगे. स्पायरोमीटर खत्म हो गया, अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे. फर्स्ट पार्ट ब्रीदिंग खत्म हो गया. ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है, दो जगह होती है, एल्वियोलाई और ब्लड में, फिर ब्लड एंड टिश्यूज में. तो एल्वियोलाई और ब्लड यानी कि लंग में, और ब्लड एंड टिश्यू जो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स है वहाँ पे. और एक्सचेंज किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये चीज़ याद रखना कि दो ग्रेडियंट होते हैं, प्रेशर का ग्रेडियंट हो या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, एक ही बात है, मतलब दो ग्रेडियंट या एक ही बात है. तो ग्रेडियंट की वजह से एक्सचेंज होता है. तो एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन की वजह से, और डिफ्यूजन होता है दो चीज़ों की वजह से. सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन, एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे. तो जितनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस होगी उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितनी थिक मेम्ब्रेन होगी उतनी धीरे डिफ्यूजन होगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, जैसे कि CO2 है, CO2 की सोल्यूबिलिटी इज 25 times मोर देन ऑक्सीजन. तो CO2 बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, तो उसको उतना प्रेशर ग्रेडियंट नहीं चाहिए. जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये देखो आप, O2 एटमोसफेयर एयर में इतना ज्यादा है, एल्वियोलाई में इतना है, ब्लड में 40 है, फिर जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया फिर 95 बचा, और फिर टिश्यू में 40 है. ग्रेडियंट देख रहे हो कितना ज्यादा है, 104, 95, 40 है ना. लेकिन CO2 के लिए कितना सा ग्रेडियंट है कि डीऑक्सीजनेट ब्लड में सिर्फ 45 है, एल्वियोलाई में 40 है, ब्लड में 40 है, टिश्यू में 45 है, सिर्फ 5 का ग्रेडियंट है. तो 45 से 40 और 40 और 45 इधर, और 45 से 45 हो गया. टिश्यू में CO2 ज्यादा है, टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ब्लड ने अपनी ऑक्सीजन रिमूव कर दी. अब जो CO2 टिश्यू के पास ज्यादा है वो ब्लड में जाएगी, तो ब्लड में 45 से ये 45 हो जाएगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45 हो गया. फिर ये एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई में 40 है वहां पे, तो जो 45 से, क्योंकि हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट पे जाएगा, 45 इधर से जाएगा. तो ग्रेडियंट देखो कितना कम है CO2 का, लेकिन फिर भी हम फंक्शन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि CO2 की सोल्यूबिलिटी 20-25 टाइम्स ज्यादा होती है. तो प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर ग्रेडियंट पे CO2 बहुत ज्यादा डिफ्यूज कर सकती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. ठीक है, चलो
ये याद रखना, डायरेक्टली फंक्शन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड इनवर्सली फंक्शन टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। चलो अब ये होती है डिफ्यूजन लंग्स में, कि ये एल्वियोलाई है, इसमें एयर भरी हुई है, ये कैपिलरी है। अब एयर को कैपिलरी जाने के लिए तीन वो यूज करने, तीन मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है। एक होती है जो एल्वियोलाई की एपिथीलियम है ना, वन सेल थिक होती है। फिर जो एंडोथीलियम है कैपिलरी का, ये भी वन सेल थिक होता है। और जो बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये तीन चीजों से बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ फिर अगेन मैं आपको दोबारा बोल लूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीजों से बनी होती है, ऑल एक्सेप्ट। तो तीनों ये दे देंगे कि एल्वियोलर एपिथीलियम और कैपिलरी एंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फोर्थ ऑप्शन कुछ भी दे देंगे कि सिंगल लेयर ऑफ मसल या कुछ भी ऐसा, वो आपका आंसर होगा क्योंकि वो गलत है, ऑल एक्सेप्ट में, ठीक है। तीन लेयर होती है लेकिन स्टिल इसकी जो होती है ना थिकनेस होती है, दैट इज स्टिल वेरी लेस देन 1 मिलीमीटर, मतलब 1 mm से भी कम होती है। 1 mm आपको पता होगा कितना कम होता है, बट उसके बाद भी इतना, उससे भी कम होती है, काफी कम। अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है अप टू 97% होती है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, मतलब हीमोग्लोबिन इज एच बी, और फिर अगर उसमें ओ टू जुड़ के एच बी ओ टू बन जाता है, एच बी ओ टू लिखते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम 4 O2 मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, मतलब एच बी वन भी कर सकता है, 2 मॉलिक्यूल भी कर सकता है, 3 मॉलिक्यूल भी कर सकता है, मैक्सिमम 4 कर सकता है, 5 नहीं कर सकता, ठीक है। और ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है जो हीमोग्लोबिन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ओ टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो और एक जब टेम्परेचर लोअर होगा तब ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करेगी। तो इसका ना एक सिग्मोइड कर्व होता है, सिग्मोइड इज एच शेप्ड कर्व, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो इसकी ऐसी स्पेसिफिक शेप क्यों आती है, ये बोर्ड्स वालों से पूछ सकते हैं कि सिग्मोइड शेप होने का वो क्या है, मतलब इसका फायदा क्या है। इसका सिग्मोइड शेप का फायदा होता है कि जो हमारी वर्किंग रेंज होती है ना, जहाँ पे मोस्टली एक्ट करते हैं, वो नियरली लीनियर है, मतलब कि बहुत ज्यादा एकदम बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मानो कि थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाओगे ना, पार्शियल प्रेशर मानो आपने 20-30 किया, तो जो आपकी परसेंट सेचुरेशन है ना, वो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। तो ये फायदा होता है हमारे लिए, क्योंकि हम इस उसमें काम करेंगे, आप थोड़ा सा बस बढ़ाओ और आपकी बॉडी एकदम बहुत सारा ऑक्सीजन यूज कर सकती है। लेकिन जो एंड पॉइंट होता है, वो एंड पॉइंट है नियरली फ्लैट, कि आपको 90-100 बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा बढ़ना पड़ रहा है, देखो इतनी ऑटो बढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। समझ में आया है कॉन्सेप्ट? अगर किसी को नहीं आया तो भी डाउट में बताओ मेरे को, एक बार दोबारा फटाफट बता देता हूँ कि ये इसको मिटा देता हूँ। देखो ये एस शेप कब दिख रहा है आपको, एस दिख रहा है, रफली एक एस बना हुआ है ना, जो रेड लाइन है। सिग्मोइड शेप का मतलब है कि जो हमारी इनिशियल पार्ट है ग्राफ का, वो एस का ये वाला फेज है, ये वाला पार्ट है। तो इसमें आप अगर हल्की सी भी ऑक्सीजन बढ़ाओगे, मतलब आपने 20-30 की है, तो आपकी जो 20 पे कहाँ है कॉरेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन कितनी है, 30 है, और 30 पे कॉरेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन कितनी है, 60 है। तो आपने सिर्फ 10 mmHg बनाया ना, पार्शियल प्रेशर सिर्फ 10 mmHg बढ़ाया, उसमें आपकी परसेंट सेचुरेशन देखो 30-60 होगी, डबल हो गई। लेकिन जो लेटर पार्ट है, वहां पे मानो 60% पे कितनी, 90% सेचुरेशन है, और 100% पे 100% है। तो सिर्फ 10% सेचुरेशन बढ़ाने के लिए आपको 40 mmHg बढ़ाना पड़ गया। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। अब दो चीजें होती हैं कर्व में, लेफ्ट शिफ्ट होती है, राइट शिफ्ट होता है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट इनडायरेक्टली लिखा हुआ ना, तो फिर भी आप लिख लो। राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि ग्राफ आपका ऐसे आ गया, ये हो गया, लेफ्ट शिफ्ट का ग्राफ आपका ये आ गया, ठीक है। अब जो ये वाला राइट शिफ्ट है, एक मिनट, राइट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं पहले। राइट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, राइट शिफ्ट का मतलब है कि आपको सेम ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रखने के लिए, मानो 40 है, 40 मेंटेन रखने के लिए पहले आपको 40 मिल, चलो 40 की जगह अच्छा तो देखते हैं, मानो 20 देख, ये 30 देख लेते हैं,
30 मेंटेन रखने के लिए पहले आपको 20 mm Hg लेना पड़ रहा था प्रेशर, अभी नियरली 30 लेना पड़ रहा है आपको. इसका रिवर्स क्या है कि अगर किसी जगह पे 20 mm Hg है पार्शियल प्रेशर, तो जो हीमोग्लोबिन है वो 30% सेचुरेटेड होगा. लेकिन अगर वो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हो चुका है तो फिर सेम प्रेशर पे वो बहुत कम आ जाएगा, मतलब 15 के राउंड पहुंच गया. समझ में आया ये बार बताओ मुझे यार, प्लीज रिपीट. ओके क्लियर ऑब्वियसली. अच्छा ठीक है ना यार, ऑब्वियसली जरूरी नहीं ना आपके लिए, जो ऑब्वियस हो किसी और के लिए भी हो, तो इसलिए मैं सबके लिए बता रहा हूँ ना ये. ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है आपको, देखो मेन फंक्शन क्या है, आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आनी चाहिए एल्वियोलाई से. ठीक है, एल्वियोलाई से हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन से टिश्यू में. तो अब एल्वियोलाई में क्या है, या एल्वियोलाई में PCO2 कम है, CO2 कम है, टेम्परेचर कम है और हाइड्रोजन आयन कम है. टिश्यू में उल्टा है सब कुछ, CO2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है. अब आप क्या चाहते हो, आपको ये चाहिए ना कि एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन आई है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू वो टिश्यू में आके अनलोड हो जाए. मतलब अगर हीमोग्लोबिन में चिपकी जाएगी ऑक्सीजन, फिर फायदा क्या हुआ. तो हीमोग्लोबिन का काम क्या, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन उठाना ही नहीं है सिर्फ, हीमोग्लोबिन का काम उस ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ना भी है. तो उसको हम बोलते हैं अनलोडिंग. तो उस अनलोडिंग के लिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो टिश्यू में हेल्प करते हैं, कि CO2 ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो ग्राफ को राइट शिफ्ट करा देते हैं. तो अब सेम प्रेशर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगी. ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से उतर के रिलीज हो गई टिश्यू में. ठीक है, तो ये चीज होती है टिश्यू में. और लेफ्ट शिफ्ट होता है इसका बिल्कुल उल्टा, कि अगर PCO2 कम है या H+ कम है या टेम्परेचर कम है तो फिर ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर फिर भी किसी को समझ में आया थोड़ी देर में दोबारा बता दूंगा डाउट सेशन में, अभी आगे बढ़ते हैं. एक स्टेटमेंट है, ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2. तो कंफ्यूज मत होना, O2 5 ml होती है और CO2 4 ml होती है. तो याद रखना है ऑक्सीजन 5 ml, CO2 4 ml. ठीक है, चलो अब तो हो गई ये बात ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की. ऑक्सीजन मेनली किसमें होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में, बाकी थोड़ा बहुत माइनर होता है क्या बोलते हैं डिसॉल्वड प्लाज्मा 3%. CO2 का थोड़ा उल्टा होता है, CO2 में हीमोग्लोबिन से सिर्फ अराउंड 20-25% ही होता है. मतलब ये भी NCERT में थोड़ा ज्यादा ही लिखा है, एक्चुअली इससे भी कम ही होता है थोड़ा, जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा. मेजर पार्ट क्या होता है, बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3 नेगेटिव आयन. बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्ट होती है और कुछ माइन्यूट क्वांटिटीज होती है डिसॉल्वड CO2 होती है. अब एक चीज ना NCERT में थोड़ी कंफ्यूजिंग है, उसको अच्छे समझना आप लोग, शायद मतलब कंफ्यूजिंग इन्होंने क्लियर नहीं किया उसको. इन्होंने लिखा है कि RBC कंटेन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा 2. तो आपको क्या लगेगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो RBC में है, तो RBC में CO2 प्लस H2O बना के H2CO3 बन जाएगा, तो बाइकार्बोनेट का RBC में होगा ट्रांसपोर्ट. बट नहीं, जो ये बाइकार्बोनेट RBC में बन जाता है ना, ये वापस प्लाज्मा में चला जाता है. इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट. ये मैंने एक फर्स्ट ईयर की बुक है BRB उसमें से लिया है. ठीक है, तो क्लोराइड शिफ्ट होती है ये चीज़, कि बाइकार्बोनेट जो RBC में बन गया वो प्लाज्मा में चला जाता है, जो प्लाज्मा में क्लोराइड आयन है वो RBC में आ जाता है. तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट. तो मेनली बाइकार्बोनेट आयन बनता कहाँ पे है, तो क्वेश्चन अगर पूछना कि बनता कहाँ पे है, तो बनेगा RBC में, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज मेनली होता है RBC में. लेकिन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की पूछ कर रहे हैं, बनता कहाँ पे है या ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है. बनता बाइकार्बोनेट आयन नेगेटिव इसमें RBC में और ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में. ठीक है, चलो अब आपको पता ही है, केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा सर ने, कि एंजाइम दोनों तरफ की जो भी क्या कहते हैं कैटलिस्ट होता है, एंजाइम होता है, वो दोनों तरफ की रिएक्शन को वो करता है, सेम वेलोसिटी से बढ़ाता है. और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा कि रिएक्टेंट अगर बढ़ जाए तो फिर रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, या अगर प्रोडक्ट बढ़ जाए तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, पता है ना. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ
कि आपके टिश्यू में CO2 ज्यादा है, CO2 बढ़ गई तो रिएक्शन राइट शिफ्ट होगा, H2CO3 बनेगा, बाइकार्बोनेट बढ़ गया, सॉरी H2CO3 बढ़ गया, H2CO3 से बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। अब एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में जब ब्लड पहुंच गया वहां पे CO2 बहुत कम है, आपका रिएक्टेंट कम हो गया और बाइकार्बोनेट ज्यादा है, तो रिएक्शन उल्टा शिफ्ट हो जाएगा। उल्टा शिफ्ट होके बाइकार्बोनेट से H2CO3 बना, H2CO3 से CO2 बना, CO2 एक्सपायर, आपने एक्सपायर कर दी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, 4 ml डीऑक्सीजनेटेड का होता है। हाँ तो CO2 तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही करता है ना, ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, समझ गए? चलो ठीक है, अब हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे। ये डायग्राम दिया नहीं हुआ बट ये कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको अच्छे से देख लो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेड्यूला कहाँ पे है, पॉन्स कहाँ पे है। वो बस क्या करेंगे, इस डायग्राम में से ये सब हटा देंगे और ऐसे कुछ मार्क कर देंगे कि ये कौन सा सेंटर होता है, कौन सा सेंटर होता है। तो आपको याद रखना है, ये नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा भी मैं, बट स्टिल यहाँ भी देख लो कि मेड्यूला सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है और पॉन्स उससे ऊपर होता है, और फिर उसके ऊपर मेसेनसेफलॉन होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ मार्क कर रहे हैं तो वो होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो मेन, जो हमारी इंस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है, वो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज सिचुएटेड इन मेडुला ओब्लोंगाटा, और उसके एडजेसेंट इज ए कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, दैट इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, मतलब कि एसिड। तो अगर आपका pH कम हो जाए या CO2 बढ़ जाए तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये सेंटर एक्टिवेट कर देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इंस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे कि आप जल्द ज्यादा सांस लेके जितनी CO2 बढ़ी हुई है उसको आप वॉश आउट कर दो, उसको आप निकाल दो। ठीक है, फिर एक दूसरा सेंटर होता है पॉन्स में, पॉन्स इज जस्ट अबव मेडुला, उसको हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर। तो अगर ये एक्टिवेट हो जाए कभी तो फिर इंस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है। ये मेनली कई बार जैसे ब्रेन सर्जरी में होता है, मान लो किसी की यहाँ पे कोई सर्जरी हो रही है और गलती से सर्जन से ये थोड़ा टच हो गया, ये टच होते ही अगर ये सेंटर न्यूमोटेक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो गया तो बंदे का एकदम ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरने लग जाता है क्योंकि उसकी रेस्पिरेटरी रेट और इंस्पिरेशन कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद, मैंने तो ऐसे किया था कि न्यूमोटेक्सिक, टेक्सिक साउंड्स लाइक टॉक्सिक, तो टॉक्सिक क्या करेगा, टॉक्सिक आपकी सांस बंद करा देगा ना, मतलब इजी है कॉन्सेप्ट, बट स्टिल अगर आपको याद रखना है तो मैंने ऐसे याद किया था, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ तो एक बार दोबारा देख लो इस फिगर को अच्छे से कि मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ पे है, पॉन्स कहाँ पे है। मेडुला ऑब्लोंगाटा में दो सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है और कीमो सेंसिटिव सेंटर होता है, और पॉन्स में क्या होता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है। ठीक है, अब रिसेप्टर्स होते हैं जो कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। एओर्टिक आर्च इज की हार्ट से जो एओर्टा निकलती है और जो फिर ऐसे डिसेंडिंग एओर्टा है, तो ये आर्च बनी है ना, यहाँ पे कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, और जो कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो भी PCO2, मतलब CO2 का कितना प्रेशर है या फिर जो H+ आयन है उनसे बता सकते हैं कि आपको रेस्पिरेशन बढ़ाने की जरूरत है। ऑक्सीजन का रोल बहुत कम होता है, ये चीज याद रखना कि मेनली कंट्रोल होता है CO2 एंड H+ आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, रोल ऑफ O2 इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये आया था क्वेश्चन नीट 2019 में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग, वीजिंग इंपॉर्टेंट टर्म है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ये होता है एस्थमा, काफी अर्बन एरियाज में बढ़ रहा है अभी आजकल और नीट में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, वीजिंग को याद रखना, वीजिंग अगर बोल दे तो आपके लेवल पे वो सिर्फ एस्थमा है। फिर एक डिजीज होता है एम्फाइसिमा, ये मैंने एल्वियोलाई बनाई है, एल्वियोलाई ऐसे 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 हैं, एल्वियोलाई की जो वॉल है अगर ये डिस्ट्रॉय होने लग जाए तो ये ऐसा बन जाएगा ना, तो सरफेस एरिया कम हो गया, पहले ये इतना सारा सरफेस एरिया था है ना, ये सारा सरफेस एरिया अब इतना रह गया बस, तो इससे सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिगरेट स्मोकिंग। तो अगर स्मोकर्स होते हैं, बहुत हैबिचुअल स्मोकर है कोई, तो उसमें एम्फाइसिमा होके ये कम हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में से, और दोनों के दोनों पूरे पूरे स्ट्रेट NCERT में, स्ट्रेट लाइन टू लाइन उठा के। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइडल वॉल्यूम दी है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दी है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml एंड ERV इज 1000 ml, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी बताओ, क्वेश्चन देख लिया? ठीक है, अब
उन्होंने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम दे दिया आपको. इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 या इफ 1800 इफ 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो वो फॉर्मूले में ही नहीं है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो एक्स्ट्रा टर्म देंगे आपको, एक्स्ट्रा वैल्यू देंगे कि आप फॉर्मूले में कहीं लाओ. तो कई लोग क्या करेंगे कि 1000 प्लस 500 1500 बन रहा है तो 1200 होगा जरूर उसमें कहीं, तो 2700 टिक करना है. ऐसा कुछ नहीं करना आपको. कई बार फालतू आपका बेवकूफ बनाने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू देंगे, उसको खत्म करो. तो सिंपल फॉर्मूला है, टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड करो, 1500 आया आंसर. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन था, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग. तो मैंने कौन सा बताया था, वीजिंग का कौन सा है, एस्थमा. लेकिन एस्थमा तो इन्होंने दिया नहीं हुआ, तो एस्थमा के लिए इन्होंने लाइन क्या लिखी थी वो इन्होंने पूछ लिया. तो इसका आंसर बताओ क्या है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन. चलो मैं देखता हूं. ठीक है, बी पार्ट क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. तो ये आपको फायदे दिख रहे हैं ना एनसीईआरटी के, कि मानो आपने, आपको एस्थमा भी पता है, आपको वीजिंग भी पता है, लेकिन आप ये पढ़ना भूल जाओ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं. आप कंफ्यूज हो गए कि इनमें से क्या होगा यार. मैं एक बार थोड़े बाकी ऑप्शन बता देता हूँ. बेनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, ये मे बी नेजल पॉलिप की बात कर रहे हैं ये. सेकेंड हो गया एस्थमा. थर्ड है प्रोलिफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज टू एल्वियोलर वॉल. डैमेज टू एल्वियोलर वॉल कौन सा होगा, एम्फाइसिमा. रिडक्शन इन द सेक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स बाय न्यूमोसाइट्स, ये होता है ARDS. ये बच्चों में होता है, जो प्री मैच्योर इन्फेंट होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कि आपके, जो मैं शुरू से बताता हूँ कि ट्रेकिया में, ब्रोंकस में, ब्रोंकियोल में, इन सब में तो कार्टिलेजस रिंग है कि जो कोलैप्स से प्रिवेंट कर लेगा. लेकिन मैंने बताया था कि जो एल्वियोलाई है, मैं अच्छे से बताता हूँ उनको कि एल्वियोलाई है उसमें तो कोई कार्टिलेज नहीं है. तो अगर आपने इसमें एयर भर दी तो ये फुल हो गया, ठीक है. लेकिन जब इसमें एक्सपायर करेगा, जब एक्सपिरेशन होगी, तो इसकी वॉल्स पास पास आएंगी. तो आपको पता होगा जैसे कि पानी होता है, अगर आप उस दो चीज गीली करके आप उसमें चिपका दो तो वो चिपक जाएंगी ना. मतलब उसको जब आप दूसरी बार इंस्पायर करना चाहोगे तो या तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या फिर वो खुलेंगी नहीं, तो आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होगी या फिर ये खुलेंगी ही नहीं. तो इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि एक लेयर होती है सर्फेक्टेंट की, डिटर्जेंट टाइप चीज होती है सर्फेक्टेंट, जो सर्फेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे कि जब ये पास भी आएगा ना, आपस में चिपकेगा नहीं है कि ये इतना रहा, लेकिन जब आपने दोबारा इंस्पायर किया तो ये दोबारा फूल गया. ठीक है, तो ये सर्फेक्टेंट है दैट इज रिलीज्ड बाय टाइप टू न्यूमोसाइट्स. न्यूमोसाइट दो तरीके के होते हैं, टाइप वन टाइप टू. टाइप वन तो नॉर्मल जो हमारा सर स्क्वामस एपिथेलियम है जहाँ एक्सचेंज हो रहा है, और टाइप टू होता है जो सर्फेक्टेंट रिलीज करता है. और सर्फेक्टेंट रिलीज करने के लिए ना, जो फिटस की एज है, जो बच्चे की एज है, दैट मस्ट बी अबव 32 टू 34 वीक्स. आपको पता है कि नॉर्मली 38 टू 41 वीक्स चलती है प्रेगनेंसी, मतलब इस बीच में बच्चा डिलीवर होता है. लेकिन अगर कई बार प्री मेच्योर डिलीवरी है कि किसी का 28 वीक्स का बच्चा है, किसी का 30 वीक्स का बच्चा है, तो उस बच्चे में मोस्टली हर एक चीज डेवलप्ड होती है, सिर्फ लंग्स डेवलप नहीं होते. तो अगर वो बच्चा प्री मेच्योर डिलीवर हो गया तो उसमें सर्फेक्टेंट कम होता है. सर्फेक्टेंट कम होने की वजह से उसके एल्वियोलाई एक सांस लेगा, वो जैसे वो एक्सपायर करेगा उसके एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे. तो उस वजह से बच्चे में डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनको बचाने के लिए, चलो ये आपके लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सुन लो आप, लिखना मत, कि मदर को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं. कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं मदर को, जिससे कि बच्चे के लंग्स में क्या कहते हैं सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ने लग जाती है. कि आपको लग रहा है कि किसी मदर की डिलीवरी आपको जल्दी करानी पड़ेगी, कि मदर को सीजर्स आ रहे हैं, कि मदर को दौरे पड़ रहे हैं, तो आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी. तो आप मदर को इंजेक्शन दे सकते हो जिससे कि बच्चे के लंग डेवलप करने शुरू हो जाए. ठीक है, चलो समझ में आया. अब सेम इस चैप्टर की भी समरी आपको खुद पढ़नी है, और अब जितनी जल्दी हो सको इन दोनों चैप्टर्स को जो मैंने आज पढ़ाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो यार. ठीक है,
जो मैं बोल मैंने आपको जो जो बोला है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, और क्या कहते हैं इन दोनों चैप्टर्स को आप कल तक रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? बाकी अब किसी और के डाउट हो तो वो पूछो आप। टू गुड लेक्चर, ठीक है, थैंक यू यार, थैंक्स सर। इन्फ्लेमेशन मीन्स, इन्फ्लेमेशन यार, इन्फ्लेमेशन होती है कि एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि मान लो आपको चोट लगी हो कभी, तो आपने ध्यान दिया होगा कोई कट लगा है या आपको कोई भी चीज लगी है, तो आपकी बॉडी जहाँ पे आपको मान लो हाथ पे कुछ लगा है तो वो गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वो सब जो होता है ना उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। आपकी बॉडी क्या चाह रही है कि जो भी इंजरी हुई है उसको रिपेयर करना है, तो बॉडी क्या करेगी वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देगी। तो वहां पे जब ब्लड एक साथ जाएगा, ब्लड रेड होता है, ब्लड टेम्परेचर 37 डिग्रीज पे होता है, तो वहां पे वार्म हो जाएगा, रेड हो जाएगा, अब थोड़ा पेन होगा, तो ये सब इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स, मतलब इन्फ्लेमेशन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है? राइट शिफ्ट को एक बार दोबारा बता दो। बोहर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। अच्छा यार, मैं एनसीईआरटी तक लिमिट रखना चाह रहा हूँ इसको, तो ये सब चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अलग से पढ़ लो, बाकी सबको उस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है? सर नेजल पॉलिप क्या है? नेजल पॉलिप, नेजल पॉलिप पैथोलॉजी होती है यार, कई लोगों में कॉमन है ये। मोस्टली पॉलिप का मतलब होता है कि कोई आउटग्रोथ है, कि आपका नेजल सर आवाज नहीं आ रही, आ रही है आवाज? हाँ, तो पॉलिप इज आउटग्रोथ, कि एक आपका ये सरफेस है और इससे कोई आउटग्रोथ है तो नेजल पॉलिप बन जाता है। वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने वो बिनाइन चेंजेस बताया था ना उसका मतलब था कि नेजल पॉलिप, उन्होंने एनसीईआरटी मतलब नीट दिया था। चलो, मेगालोब्लास्टिक जो आपने डाइजेशन में बताया था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या दोबारा बताना है? के बारे में बता दो सर, मजा आ गया 2 घंटे में। अच्छा जी, थैंक यू। ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में बताता हूँ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया था कि जैसे मैं आपको पता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, पता ही आप लोगों को, ठीक है? तो अब किसी भी सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि वो न्यूक्लियस के बिना ही पैदा हुआ होगा, नहीं, बिना सेल के तो न्यूक्लियस मर जाएगा, तो कुछ चेंजेस हुए होंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि आरबीसी के प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, कि बोन मैरो में एक सेल बना, उससे एक नेक्स्ट सेल बना, उससे एक नेक्स्ट सेल बना, उससे लास्ट में आरबीसी बना। तो जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ना वो आरबीसी के, उसकी आगे डिफ्रेंशिएशन के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, मानो B12 चाहिए या फोलिक एसिड चाहिए। तो अगर उनकी कमी है ना तो जो आरबीसी की डेवलपमेंट है वहीं पे अरेस्ट हो जाएगी। तो आपको अपने उसमें क्या बोलते हैं पिक्चर में, माइक्रोस्कोप में आपको ब्लास्ट दिखेंगे, ब्लास्ट इज प्रिकर्सर सेल, और वो थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल आरबीसी से, तो आपको मेगालो ब्लास्ट, बड़े ब्लास्ट दिखेंगे, दैट इज ड्यू टू B12 और फोलेट डिफिशियंसी, ठीक है? टोटल लंग कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज कर सकते हैं क्या टोटल लंग कैपेसिटी? यार एक क्वेश्चन बड़ा बहुत अलग तरीके से हो सकता है, कि तो पक्का चेंज होगा कि बच्चा बड़ा हुआ है, या पर आपका मेरे सबसे क्वेश्चन होगा कि एक बंदा अभी कर सकता है? नहीं, देखना पड़ेगा, आई डोंट थिंक कि कर सकते हैं, बट शायद, पता नहीं, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। बर्थ के टाइम पे बेबी क्राई क्यों करता है? अगर ना करे तो क्या होगा? और ये क्राइंग क्या इंडिकेट करता है? ओके, बर्थ के टाइम पे आपको पता है कि जब बच्चा वोम में होता है, यूट्रस में होता है, तो एक चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पता है ना? तो बच्चा उस फ्लूइड को नॉर्मली इंस्पायर भी करता है और उसको मतलब इंजेस्ट भी करता है, कि बच्चा उसको पीता भी है और बच्चा उसको सांस में भी लेता है। तो वो फ्लूइड बच्चे के लंग्स में भरा होता है, क्योंकि बच्चे को सांस की जरूरत तो नहीं है मदर की उसमें वोम में, लेकिन बच्चे के रिफ्लेक्सेस बनाने के लिए, बच्चे के लंग डेवलप करने के लिए बच्चे को उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेस्ट इनहेल करना पड़ता है। तो जब बच्चा पहली बार इसमें आता है, बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, तो उस फ्लूइड को एयर से चेंज करने के लिए बच्चे को क्राई करना जरूरी है, कि बच्चा जब तक क्राई नहीं करेगा और वाइग्रसली क्राई नहीं करेगा, बहुत जोर जोर से नहीं रोएगा, तब तक एयर अच्छे से अंदर नहीं जाएगी और वो एयर उस फ्लूड को रिप्लेस नहीं करेगी। तो इसलिए हम, अगर बच्चा नहीं रो रहा हो तो फिर एक इमरजेंसी होती है वो, कि बच्चे को 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर रुलाना पड़ता है, कि सिक्रेशंस को साफ करो, बच्चे को स्टिमुलेट करो कि बच्चा रोए,
रोने की वजह से उसकी जो एल्वियोलाई है वो फुल होंगी और जो फ्लूइड है वो एयर से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है सर, एब्डोमेन में स्मॉल स्मूथ मसल होती है? नहीं यार, जितने भी ये हमारे विसरा है, इंटेस्टीन है, स्टमक है, सब स्मूथ मसल ही तो है। स्मूथ मसल का मतलब क्या है? स्मूथ मसल नाम पड़ा कि स्ट्राइएशन नहीं है, आपको आगे मसल वाले चैप्टर में बताऊंगा। और स्मूथ मसल होते हैं जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, कि आपका हैंड वॉलंटरी कंट्रोल में है कि आप ऐसे चाहो, आप ऐसे चाहो आप कर सकते हो, लेकिन क्या आप बोल सकते हो कि मैं अभी इंटेस्टिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या मैं इंटेस्टिन रिलैक्स कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि आप वॉलंटरी नहीं कर पा रहे। तो वॉलंटरी मसल कौन से नहीं होते? तो स्मूथ नहीं होते, कार्डियक नहीं होते, कार्डियक का मतलब हार्ट में, तो बाकी जो भी मसल है स्मूथ मसल है। तो इंटेस्टिन जितना सारा मसल होगा वो सारा स्मूथ मसल होगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। थैंक यू सर, इट वॉज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, थैंक यू, माई प्लेजर। हम कल भी ज्वाइन करेंगे इसी टाइम। थैंक्स फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। ओके यार, यू आर वेलकम। मैं 1 मिनट कल का बता दूं आपको, 1 सेकंड रुको। कल हम करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन से? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, इन दोनों करते हैं हम। सर्जन बनने के लिए एमबीबीएस में कौन सी फील्ड लेनी होती है? एमबीबीएस में कोई फील्ड नहीं होती, एमबीबीएस सबके लिए सेम होती है। एमबीबीएस की फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो सिर्फ मेडिसिन नहीं है, सर्जरी भी है। तो आपको एमबीबीएस पूरी खत्म करनी है, 4.5 ईयर एमबीबीएस, 1 ईयर इंटर्नशिप। उसके बाद एक पीजी एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम। उसमें डेफिनेशन होता है एमडी होगा या एमएस होगा। एमडी इज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड एमएस इज मास्टर ऑफ सर्जरी। तो वहां आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट एमबीबीएस सबके लिए सेम होती है। सर, वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स में? ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता होगा। मतलब ऑप्शंस क्या है यार, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली भेजना, ठीक है, इसकी फोटो क्लिक करके। और ब्रोंकियोल कौन सा? अब टर्मिनल ब्रोंकियोल होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल, उससे पहले ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में कुछ भी नहीं होता, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में सिर्फ एपिथीलियम होता है, लेकिन जो उससे पहले वाले ब्रोंकियोल उनमें कार्टिलेज होता है। तो क्वेश्चन आपको ढंग से देखना पड़ेगा, कौन से ब्रोंकियोल की बात चल रही है। टेलीग्राम पे आपका कोई चैनल भी है क्या सर? नहीं यार, अभी कोई चैनल तो नहीं बनाया मैंने, देखूँ अगर आगे बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा मैं। चलो, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना टाइम क्या हुआ है, 11 बज गए, बस 5 मिनट रहते हैं फिर हम करते हैं खत्म। सर, देयर इज अ टॉपिक इन डाइजेशन चैप्टर, कैलोरीफिक वैल्यू, वो नहीं करना यार। कैलोरीफिक वैल्यू उन्होंने लिखा है कि इट इज़ नॉट फॉर इवेल्यूएशन, तो आइडियली उन्हें नहीं पूछना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बताया। बट स्टिल एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग पढ़ लेना, मैं भी फटाफट बता देता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि फूड को आप बर्न कर रहे हो तो कितनी एनर्जी मिल रही है, वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कि अब आप अलग अलग चीज़ें लेते हो ना, कि आप कार्ब्स लेते हो 60-70%, प्रोटीन लेते हो 20-20%, फैट लेते हो 20%, तो आपकी बॉडी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो कौन से सब्सट्रेट को यूज़ करे। तो हर एक सब्सट्रेट को यूज़ करने के बाद अलग अलग तरह की एनर्जी निकलती है। तो कार्ब्स और प्रोटीन की एनर्जी होती है 4 किलो कैलोरी पर, देखना पड़ेगा मेरे को, मैं भूल गया। और फैट की होती है 9, इतना मुझे याद है। तो फैट की एनर्जी ज़्यादा होती है नॉर्मल कार्ब्स या प्रोटीन से, लेकिन स्टिल हम पहले कार्ब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाँ, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.65 एंड 9.45, ये तो बॉडी के बाहर का है। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, बस इतना याद रखना, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? मज़ा आ गया सर, थैंक यू, हाँ यार, वेलकम। और किसी कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी पूछो यार, 5 मिनट रहते हैं बस। कल भी आओगे ना फिर इसी टाइम? कल 9 to 11 ही रखते हैं, ठीक है? ठीक है यार, चलो फिर। अभी अगर किसी को रिवाइज करना तो रिवाइज करो, वरना सो जाओ। बाकी कल तक इसको एक बार कर लेना, कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले इन दोनों को फटाफट कर लेना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।